guys personal do. शादी वाले पार्ट में हम लोग चाहते थे, बिकॉज हम लोग बहुत ज्यादा ब्लॉगिंग नहीं कर पाए वहाँ, तो हम चाहते थे आपको थोड़ी सी हाइलाइट्स दे दें। तो दीपक तुम स्टार्ट करो, बिकॉज तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड की शादी थी, लाइक बचपन के चट्टी बट्टी यार की शादी थी। हाँ, शादी मतलब पहली बात तो शादी हमें इतने साल के बाद देखने को मिल रही थी कि हमें लग रहा था यार किसी की शादी में जाए कहीं तो पहुंचे, क्योंकि हमें हमारी शादी हुई थी 2017 में, तब से हमने एक भी शादी अटेंड नहीं की थी, स्पेशली कोई क्लोज वेडिंग तो एक भी नहीं की थी। तो बड़ा मन था यार शादी हो रही है, तो फिर मेरे बेस्ट फ्रेंड की शादी थी, मतलब बचपन के फ्रेंड्स हैं हम लोग और फैमिली जैसे टर्म्स हैं, तो ये मान लो घर की शादी थी, तो इतना एक्साइटमेंट था। और सबसे बड़ा एक्साइटमेंट ये भी था कि मैं अपने बहुत साल के बाद अपने स्कूल फ्रेंड से मिल रहा था, ऑलमोस्ट 10-12 साल के बाद, तो बहुत टाइम से नहीं मिला था, बहुत मन था और मतलब बड़ा मजा आया शादी में, तो गजब पार्टी दबा के भंड होके डांस किया, खूब पार्टी की, खूब एंजॉय किया है। एक्चुअली वो आपको हाईलाइट देखने मिलेंगे, मतलब दीपक इज लाइक आउट ऑफ वर्ल्ड, मतलब मैंने दीपक को कभी भी ऐसे नहीं देखा है। आई वाज मतलब कि यार ये हो क्या रहा है, दीपक इतना डांस कर रहा है, बट ही वाज एक्चुअली वेरी हैप्पी। मुझे बहुत झिझक लगती है डांस करना। और एक सबसे इम्पोर्टेंट ये था कि इसके जो बचपन के दोस्त थे वो इसके साथ थे, तो ये एकदम फ्री था, बिल्कुल एकदम फ्री, तो ये इसके साथ हुआ, तो आपको वीडियो में वो सारी चीजें देखने मिलेगी, थोड़े बहुत जो क्लिप्स हमने लिए हैं। और क्लिप्स लेना था हम भूल ही गए मैक्सिमम। हाँ, ब्लॉग्स तो मतलब हम इंडिया पहुंचे और उसके बाद मतलब हम जितना ट्रैवल किया था उतने वीडियोस लिए थे, उसके बाद हमें कुछ नहीं पता था हमारा फोन कहाँ है, हमारा कैमरा कहाँ है, हमारे गैजेट्स कहाँ है, और सब इधर उधर पड़े थे और हम वीडियो नहीं ले पा रहे थे, बट स्टिल हम लोग क्योंकि आपको अपनी फैमिली से मिलवाना चाहते हैं, अपने फ्रेंड से मिलवाना चाहते हैं, इसलिए हम आपको ये सारी हाइलाइट्स दे रहे हैं। आई होप आप लोगों को ये सारी चीजें अच्छी लग रही होगी, जो भी है आप कमेंट जरूर करना नीचे। और तुम कुछ बोलना चाहोगे? बस यही बोलना चाहूंगा कि हम लोगों ने तो बहुत एंजॉय किया और होप करते हैं कि आप भी हमारी मतलब फैमिली फ्रेंड्स को देख के आपको अच्छा लगेगा, और कोशिश करेंगे जितने ज्यादा वीडियोस कलेक्ट कर सकें। मैक्सिमम वीडियोस तो हमने पता नहीं कहाँ गए, माइक में माइक गड़बड़, कभी कैमरा गड़बड़, बट गाइस मैं ये जरूर आपको बता देती हूँ, मैं इंडिया वीडियोस अभी भी बहुत सारे बचे हुए हैं, क्योंकि हमने होली ब्लॉग भी बनाया था, हमारी मैरिज एनिवर्सरी है उसका भी हमने वीडियो शूट किया है, एंड देन हमारा एक बहुत अच्छा मंदिर है मेरे घर के पास, हमने वो भी शॉट किया है, तो हमने बहुत सारी चीजें ऑलरेडी मतलब प्लान में है, पर मैं सिर्फ इंडिया के ब्लॉग्स नहीं डालना चाहती हूँ, तो मैं कुछ जर्मनी के ब्लॉग्स जा रही हूँ और इंडिया के ब्लॉग्स डाल रही हूँ, और आपको शायद तो आप वीडियो देखो और एंजॉय करो। हाँ, और आपको क्या सबसे अच्छा लगा वो जरूर बताना। और तो गाइस मैं ऐसे रेडी हुई हूँ शादी के लिए, पूरी लाल बंदरिया बन के आ जाओ सिम्मी, अपना लुक दिखा दो, सुबह तो मैं दिखा नहीं पाई। और सिम्मी 32 years पहले वाली है ना मम्मी की, 32 years। तो गाइज अब हम जा रहे हैं और अब हम ब्लॉग नहीं कर पाएंगे, मतलब ब्लॉग तो करेंगे थोड़ा बहुत, लेकिन थोड़े बहुत वीडियोस लेंगे, ऐसे फेस टू फेस आपसे बात नहीं कर पाएंगे। और हम दोनों कैसे लग रहे हैं आप कमेंट जरूर करना कि हम लोग कैसे लग रहे हैं, और फिर आपको जो बारात की जो हाइलाइट्स है वो मैं आपको वीडियो जाना तो है भाई, दीपक सांसद जी की गाड़ी है, अरे बस पहुंच गए भाई, हमें एक ही है।
चलो ज़्यादा थक गई हूँ अभी, कुछ 2 बज रहा है, आँख दिख ही रही होगी आपको लाल, तो मैं सोच रही हूँ थोड़ी सी सो जाऊँ, तो सोने के बाद फिर से। ये लोग कहाँ गए? देखो गुंजन ने हमें गिफ्ट दिया, थैंक यू गुंजन।
क्या इसमें मम्मी पापा का अब हम घर जा रहे हैं। अब हमारी कल मैरिज एनिवर्सरी, तो अब हम उसकी तैयारी कर रहे हैं, पर अब इससे विदाई हो जाएगी। अरे यार सुन, प्लीज ऐसे बात मत कर। तो क्या बोलूं, बधाई नहीं होगी, बधाई नहीं होगी, नहीं होगी ऐसा कुछ। अभी हम घर जा रहे हैं एक घंटे। तो हमारा फैशन आइकन है बासु। और दादा की मुझे नाटक हो जाएगा। क्या नाटक हो जाएगा तेरा? लड़के को बोल आ जाएगा तुरंत। अभी एक तो हम तुम्हारे पापा से तारीफ कर रहे थे, बासु देखो कितने अच्छे कपड़े पहनता है। तो सौभाग्य तो भाई, नींद से वो लाल हो गई एकदम, कट्टे से पड़ गया वो, दिखाना नहीं चाह रहा हूं आगे, इसलिए चश्मा लगा दे। अंदर क्या है, कीड़े हो जाते हैं अगर सूरज की रोशनी लेते रहने से। ये चश्मे में ऐसी खासियत है कि अंदर की वो मिलती है, अंदर वो मिलती है रात। कैसा चश्मा? एक मिनट एक मिनट, फिर से बताना कैसे दीपक, सुनो तो, चश्मे में राहत मिलती है, चश्मा खासियत वाला चश्मा लग रहा है। इसमें क्या है? चाचा सो रहे थे, उन्होंने कहा दीपक देख लोगे? दीपक ने कहा हां चाचा आप सो। चाचा सो गए। देखना ही तो है, कुछ करना थोड़ी ना। देखा नहीं सामने। चाचा सो गए। चाचा 10-15 नंबर उठे, कहेंगे दीपक कहां है? दीपक तो निकल गए। अरे यार हमने किसे देखो, देख लिया तुमने? और क्या, सब वहाँ भी तो पहुँचना ना। तो अब हम लोग बैठे हुए हैं, ये एमपी टूरिस्ट का है संगमित्रा होटल। तो देखो उधर व्यू कितना अच्छा, मतलब अभी एक पल को ऐसा लग रहा है कि हम लोग शायद यूरोप में ही हैं कहीं। आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करना। हाँ, और कमेंट जरूर करना आपको सबसे अच्छा क्या लगा इस ब्लॉग में, और आप नेक्स्ट जो वीडियोस आने वाले हैं लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज। नहीं, कौन कौन से ब्लॉग्स आने वाले हैं? ब्लॉग्स बहुत सारे आने वाले हैं अच्छे अच्छे। हाँ। फैमिली के, हमारी फैमिली साथ में थी, हम लोग काफी मस्ती किए थे, वो है कुछ गेम्स खेले थे, कहीं कुछ कुछ घूमने गए थे हम लोग, वो ब्लॉग्स हैं, और फिर जर्मनी के ब्लॉग्स तो आते ही रहेंगे। तो वो सारे वीडियोस ऑलरेडी पेंडिंग पे हैं जो मैं रिलीज करती जाऊंगी। आई होप आप एंजॉय कर रहे होंगे हमारे साथ, और अगेन मैं, हम लोगों को वेट रहता है आप लोगों के कमेंट्स देखने का, हम लोग एक एक कमेंट्स पढ़ते हैं और उसको रिप्लाई करने की कोशिश करते हैं। तो आपका जो भी है वो ज़रूर नीचे कमेंट करना, और अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे या तो जर्मनी के या फिर इंडिया के। बाय बाय। सब्सक्राइब करने के लिए आपको जो ये रेड बटन है ये क्लिक करनी है। इन केस आपने गूगल अकाउंट से लॉगिन नहीं किया है तो लॉगिन कर लेना, वो आपसे आपका बेसिकली यूजर नेम और पासवर्ड मांगेगा, जिसमें डरने की कोई बात नहीं। अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो आपने सब्सक्राइब कर लिया, मतलब ग्रे बटन दब गया। और हाँ, ये करना बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज आपको मेरे वीडियोस कब आए ये पता ही नहीं चलेगा। तो जो बेल की घंटी है वो जरूर दबाना, और लाइक करना मत भूलना गाइस।